राप्ती नदी के तट पर स्थित नवनिर्मित प्रभु श्री राम घाट पर मां गंगा राप्ती के भव्य आरती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मां गंगा राप्ती की विधि विधान से आरती उतारी और देश के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच महानगर के उपाध्यक्ष अनिल सिंह, आचार्य शत्रुंजय शुक्ला, बबलू अग्रहरी, दुर्गेश चौरसिया, शिवेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार पांडे सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आचार्य डॉक्टर शिवेंद्र सिंह ने कहा, ओम वनस्पति ऋषो भूतो गंधादो गंधवोत्तमः याग्रीय सर्वदेवानां धारा ओम हर 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 महादेव दानन राजे शिव भुज चार चतुर भुज दस भुज आशीषो है शिव दस भुज सो है चंदन मृगम चंदा के सरय गर सुगंधा बोले शुभकारी जो नर तुमको दाता मनवा सीत फल पाता ये तारे सब जग को ज्ञाता मैया सब उद को ज्ञाता कबार जो तेरी गोरखपुर महानगर दो नगरियों के संगम पर स्थित है, एक माता अचरावती और दूसरी माता रोहिणी। हमारे वहाँ एक परंपरा थी नदियों को सुरक्षित और संरक्षित करने का। 2007 से ये घाट पूरी तरह से एक मिट्टी से निर्मित था, लेकिन जब महाराज जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने 60 करोड़ 65 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पे दोनों तरफ के घाटों का निर्माण कराया। यहाँ पे तीन मंदिर जो मंदिर जर्ज अवस्था में थे, पुराने स्थिति में थे, उन मंदिरों का भी निर्माण कराया। सबसे बड़ी परंपरा ये रहा कि हम नदियों की आरती हरिद्वार, अयोध्या, काशी, बनारस, काशी विश्वनाथ जी की आरती होती है, उसके बाद गंगा की आरती होती है। इसी प्रकार हमारे वहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी, बाबा मुक्तेश्वरनाथ जी, माता आदिशक्ति की ये आरती होने के पश्चात यहाँ पे भी घाट पे आरती की परंपरा थी। आज जो राप्ती मुक्तेश्वरनाथ महादेव के मंदिर से दूर होके कम से कम 30 मीटर की दूरी पे आके स्थित है, वो राप्ती और अचरावती रोहिणी ये दोनों नदियों का संगम कभी मुक्तेश्वरनाथ महादेव के मंदिर के समीप हुआ करता था। मुक्तेश्वरनाथ महादेव का मंदिर इन दोनों नदियों के बीच में स्थापित है और जैसे 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 ये परंपरा है कि 100 साल बाद नदियाँ अपनी रास्ता मार्ग बदलती हैं, उसी अनुसार राप्ती ने भी अपना मार्ग बदला। इसकी गणना, इस घाट की गणना, राम घाट की गणना विनय पिटक और त्रिपिटक में भी है। ये बुद्ध से भी संबंधित है। कोलिया और रामग्राम के जब पानी को लेकर झगड़ा होता है तो भगवान बुद्ध आते हैं और वहाँ की पंचायत करते हैं और झगड़े को समाप्त करते हैं। दोनों गांवों के, दोनों राज्यों के झगड़े को पानी के लेके समस्याओं को समाप्त करते हैं। भगवान बुद्ध को भी इस अचरावती और रोहिणी के संगम पे आना पड़ा। अचरावती का नाम बौद्धकालीन जितने भी ग्रंथ हैं ऋग्वेद में उल्लेखित है, अथर्ववेद में उल्लेखित है, यजुर्वेद में भी उल्लेखित है और विनय पिटक त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में भी उल्लेखित है। जैन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी उल्लेखित है। मुगल काल में भी इसका उल्लेख हुआ है। और आपको एक परंपरा यहाँ की बता दें कि यहाँ सुबह स्नान भी होता है, मनुष्यों के साथ साथ पक्षी भी यहाँ पे स्नान करते हैं। आप सामने एक वटवृक्ष देख रहे होंगे, उस वटवृक्ष पे जिनको कौवे की श्रेणी दी जाती है पक्षियों में, वो सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं चारा ढूंढने के लिए, विचरण करने के लिए, तो वो राप्ती में स्नान करते हैं, अचरावती में स्नान करते हैं, फिर वो अपने
गंतव्य के लिए निकलते हैं। शाम को फिर जब संध्या का समय होता है, जिस समय हम लोगों ने आरती शुरू किया, वो फिर आते हैं और इस घाट पे अपना स्नान करते हैं, या पुल के उस पर या कहीं भी एकांत में देख के वो स्नान करते हैं, फिर अपने घोंसले में जाते हैं। उसके बाद वो रात में कोई आप कुछ भी फेंक दीजिए, वो भोजन नहीं करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। दिन में आप नमकीन बिस्किट या कोई भी फल फूल लेके आते हैं, लोग चढ़ाते भी हैं और वो कागभूसुंडी लोग उसको खाते भी हैं। तो उनकी देख के, उनकी स्थिति को देख के हम लोगों में भी कुछ इच्छा जागृत हुई कि इस धर्म से प्रति या नदियों के संरक्षण के प्रति हमारे मुनि ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये आरती परंपरा क्यों डाली। आरती परंपरा ऐसा नहीं है कि हम एक धार्मिक या कर्मकांड कर रहे हैं या तांत्रिक कर्मकांड कर रहे हैं, नहीं। हम आरती इस नाते करते हैं कि जो नदियों में, जैसे बहती हुई अभी कोरोना काल में नदियों में दाह संस्कार की परंपरा हुई, लाशों को बहाया गया, पशुओं के लाश अभी आप देखे होंगे जब आएंगे तो पशुओं के लाश इसमें बहते रहते हैं। नदी इतनी गंदी हो जाती है कि उसमें लोग अपने जितने भी कूड़ा करकट और तमाम गंदे स्रोत, जल स्रोत इसमें नदी में प्रवाहित होते हैं। स्थिति ये थी कि आज के 10 साल 5 साल पहले जब 2007 में राप्ती की आरती हो रही थी, उस समय में और आज के राप्ती के दोनों में अंतर है।